विलियम जे बॉमल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल 1952 में क्या है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे, ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो सी इज इक्वल टू 2U इंटू पी बाय एस, जहाँ पे U क्या हो जाता है एनुअल और मंथली कैश डिसबर्समेंट, उसके बाद P क्या हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, S का मतलब क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज़ पर एनम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज़ पर एनम। तो हम लोग को एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, पहले फार्मूला लिखना है उसके बाद यहाँ लिखना है कि यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब क्या हो गया, पी में क्या हो गया, एस का मतलब क्या हो गया, तो ये भी हम लोग को इस तरह से लिखना है। फार्मूला क्या हो गया, सी इज इक्वल टू 2U इंटू पी बाई एस, जो हम लोग करते थे ए मतलब जो हम लोग करते थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी में 2AO/C, उसी का समझ लीजिए एक तरह से वर्जन है। तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या है, अ फर्म मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट, द टोटल डिसबर्समेंट आर 1,05,000 पर मंथ और ₹12,60,000 पर ईयर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट इज ₹20 पर ट्रांजेक्शन। तो ये हम लोग का हो गया फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन हो गया। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी यील्ड इज 8% पर एनम, तो ये हम लोग का हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.08। फिर डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू विलियम जे बॉमल मॉडल, तो विलियम जे बॉमल मॉडल के हिसाब से हम लोग को ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालना है। तो आ जाइए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन 10 का हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 10 का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना है सी इज इक्वल टू 2U इंटू पी बाय एस, वेयर सी क्या होता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम कैश बैलेंस हो गया। फिर यू क्या होता है एनुअल कैश डिसबर्समेंट या मंथली कैश डिसबर्समेंट। फिर वी क्या हो गया फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, वी फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शंस। एस क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज़ पर एनम या पर मंथ्स। तो ये हम लोग का हो गया। इस सम्स में यहाँ पे रूट भी था। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का क्या हो जाएगा 2 × 12,60,000। एनुअल कैश डिसबर्समेंट दे रखा हुआ था 12,60,000 इंटू फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन कितना दे रखा हुआ था 20 दे रखा हुआ था, डिवाइड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना था 8%, 8% का मतलब 0.08। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 × 12,60,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.08, तो ये हम लोग का आ जाता है। और उसका रूट करने के बाद हम लोग का आता है 25,100, ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम कैश बैलेंस ये हम लोग का हो जाएगा। अब इसका थ्योरी पार्ट एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए टाइम ये हो गया, यहाँ पे कैश है तो कैश तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, और एवरेज में देखेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा सीधे हो जाएगा। अब यहाँ थ्योरी पार्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द लिमिटेशन ऑफ बॉमल मॉडल इज़ दैट इट डज नॉट अलाउ द कैश फ्लो टू फ्लक्चुएट, तो इसमें कैश फ्लो को फ्लक्चुएट में नहीं होने देता है। ये एवरेज ही कैश बता दिया कि ऑप्टिमम कितना होना चाहिए। अब थोड़ी ना है कि जितना वहाँ बोला गया है कि हाँ इतना कैश होगा तो हमेशा एक ही जैसा कैश होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये फ्लक्चुएट नहीं होने देता, इसलिए इसका लिमिटेशन है। फर्म इन प्रैक्टिस डू नॉट यूज़ देयर कैश बैलेंस यूनिफॉर्मली और नॉर आर दे एबल टू प्रेडिक्ट डेली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो कोई भी ये प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि कितना होने वाला है, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाला है। आगे क्या है, द मिलर और MO मॉडल ओवरकम दिस शॉर्ट कमिंग एंड द अलाउस फॉर डेली कैश फ्लो वेरिएशन। तो ये MO मॉडल है जहाँ पे कैश फ्लो का वेरिएशन अलाउड है।